अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साजिद रहमान है। आज मैं आप लोगों के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एस्पन प्लस को यूज़ कर सकता है और उस पर मटीरियल और एनर्जी बैलेंसेस कर सकता है, और वो मैं एक प्रोसेस के थ्रू बताऊंगा जो ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन। आज इस वीडियो का पार्ट टू है, क्योंकि पार्ट वन में हम डिस्कस कर चुके हैं पम्प, मिक्सर एंड हीट एक्सचेंजर। तो आज हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे रिएक्टर, कूलर एंड फ्लैश टैंक। रिएक्टर में हाइड्रोजन और बेंजीन के स्ट्रीम आती हैं, जहाँ पे ये रिएक्ट करके हमारे पास साइक्लोहेक्सेन अचीव होता है। कूलर से जो हमारे पास स्ट्रीम गुजरती है उसका टेम्परेचर हाई होता है, उसको कूल डाउन करने के लिए हम उसको कूलर से गुजारते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लैश टैंक आता है। फ्लैश टैंक में हमारे पास डिज़ायर साइक्लोहेक्सेन अचीव होता है। अब हम उसी तरह स्टार्ट में जाएंगे, एस्पन प्लस को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो प्रीवियस वर्क होगा, जिस चीज़ से भी आपने सेव किया होगा उसी पे हम क्लिक। ये हमारे पास प्रीवियस वर्क है, जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था, जहाँ तक हमने किया था। तो हम जाएंगे मेन फ्लो शीट पे। मेन फ्लो शीट पे आके तो यहाँ से अब हम आगे काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिएक्टर आता है। रिएक्टर को चूज़ करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास कूलर आता है, ये यहाँ से लेके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास फ्लैश टैंक आता है। सेपरेटर में जाके फ्लैश टैंक को लेना है और यहाँ पे प्लेस कर देना है। अब ये लास्ट, ये जो एरो का निशानी, यहाँ पे राइट क्लिक करके रिकनेक्ट में जाना है। रिकनेक्ट में हम रिकनेक्ट डेस्टिनेशन पे क्लिक करना है। जब ये रिकनेक्ट डेस्टिनेशन पे क्लिक करके तो यहाँ पे से हमारे पास रेड एरो आ जाएगा, उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। उससे आगे हमारे पास ये स्ट्रीम ऑप्शन है, स्ट्रीम का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से फिर हम आगे अपनी स्ट्रीम्स लेके जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फ्लैश टैंक पे चला गया, ये हमारे पास एक टॉप स्ट्रीम चला गया, एक बॉटम पे चला गया। ठीक है, अब इसको हम नेम देंगे B4 डैश रिएक्ट, मीन टू से रिएक्टर। ये हमारे पास क्या है, 6 ऑल, तमाम स्ट्रीम यहाँ से गुजरेंगे, 6 ऑल। ये हमारे पास है B5 कोल, ये स्ट्रीम हमारे पास है 7 mix कोल। ये हमारे पास है 8 टॉप, नाइन बॉटम। ये हमारे पास है, ये ब्लॉक हमारे पास है B6 फ्लैश। अब सबसे पहले हम जाएंगे ब्लॉक में, ब्लॉक में हम B4 रिएक्ट में जाएंगे। B4 रिएक्ट में जाके टेम्परेचर हमारे पास यहाँ है 150, 195, और प्रेशर हमारे पास क्या है,
21.4 बार, ओके। इसके बाद हम जाएंगे रिएक्शन पे। रिएक्शन में हमने यहाँ पे न्यू कर देना है। न्यू कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, बेंजीन। दूसरा हमारे पास क्या है, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास है माइनस वन। नेगेटिव साइन शो करता है कि हमारे पास कितने मोल रिक्वायर्ड है, और ये हमारे पास है माइनस थ्री। जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो साइक्लोहेक्सेन आएगा। पॉजिटिव हमारे पास ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट आ रही है, कितने मोर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास है 0.998, मीन टू से 99.8 जो फ्रैक्शन कन्वर्जन पॉइंट ऑफ बेंजीन। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाके हम जाएंगे B5 कूल पे। B5 कूल में हमारे पास क्या है, टेम्परेचर क्या है हमारे पास, फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर हमारे पास क्या है, माइनस ज़ीरो पॉइंट थ्री। हमने इसलिए लगाया कि इसमें रिडक्शन आ रही है, रिड्यूस हो रहा है। आगे हम जाएंगे B6 फ्लैश पे हमने जाना है। ये हमने करना है ड्यूटी, हीट ड्यूटी एंड प्रेशर। ये हमारे पास है ज़ीरो और ड्यूटी हमारे पास है ज़ीरो, ओके। अब हमने इसको रन कर देना है। जब हम इसको रन कर लेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आएगा जो हम देखेंगे रिएक्ट में। रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इसको हमने हीट ड्यूटी को कन्वर्ट करना है जी कैलोरी पर आर में। जो हमारे पास आ रहा है माइनस फोर पॉइंट फाइव एट सेवन वन नाइन। उसके बाद हम जाएंगे सिक्स ऑल पे क्लिक करके रिज़ल्ट को क्लिक कर देना है। ये देखिए हमारे पास सिक्स ऑल में हमारे पास फोर मिक्स हॉट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास क्या है, 149, और वेपर फेज हमारे पास क्या है फोर मिक्स हॉट का, 149, और प्रेशर हमारे पास ये है। उसके बाद हमारे पास जो मोल फ्लो है सिक्स ऑल का 121.312 है, और फोर मिक्स हॉट का हमारे पास है 389.613, और मास फ्लो हमारे पास है 77.272। अगर अब हम देखेंगे बॉटम का, रिज़ल्ट देख ले, हमारे पास टेम्परेचर क्या आ रहा है, 49.99%। और अगर आप फोर मिक्स हॉट के देख लें तो ये 149 से आ रहा है। लिक्विड फेज में क्या आ रहा है, 49। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे ईमेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को मैंने बताया कि कैसे केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एस्पन प्लस के जरिए मटेरियल और एनर्जी बैलेंसेस कर सकता है। तो आज आप लोगों को मैंने बताया हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन टू साइक्लोहेक्सेन के पार्ट 2 में रिएक्टर, कूलर और फ्लैश टैंक के बारे में।
थैंक यू सो मच।